जय हिंद बच्चों, मैं निकिता चौहान आपको पढ़ा रही हूँ बायोलॉजी। तो सबसे पहले 10th क्लास की बायोलॉजी में टॉपिक है आपका, चैप्टर फर्स्ट है आपका लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो लाइफ प्रोसेस है वो आता किस सब्जेक्ट से, मीन्स साइंस का बायोलॉजी है, फिजिक्स या केमिस्ट्री है। तो जो लाइफ प्रोसेस है वो आपका बायोलॉजी का एक चैप्टर, और लाइफ प्रोसेस में आपका बायोलॉजी, सबसे पहले हम पढ़ते हैं आपका बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में व्हाट यू मीन बाय बायोलॉजी, बायोलॉजी आखिर होती क्या है? तो बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर नॉन लिविंग प्रोसेसेस। तो बायोलॉजी आपका क्या है, मैंने डेफिनेशन भी लिखी है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर नॉन लिविंग प्रोसेस। तो बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके क्या आते हैं, जस्ट लाइक ह्यूमन, डॉग, कैट, प्लांट, ये सभी आपके क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना, ठीक है। इसके अलावा उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो नॉन लिविंग लाइफ प्रोसेसेस हो रही है उनकी स्टडी करना। अभी नॉन लिविंग लाइफ प्रोसेसेस क्या है, जैसे कि आपका क्या है, रेस्पिरेशन हुआ, डाइजेशन हुआ, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन हुआ। तो ये आपकी क्या है, नॉन लिविंग लाइफ प्रोसेसेस है जिनकी की हमें स्टडी करनी होती है, जिसमें बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर नॉन लिविंग प्रोसेस, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी कि हु वॉज द फादर ऑफ बायोलॉजी, जो बायोलॉजी वर्ड है उसे हम लोगों से इंट्रोड्यूस किसने कराया था। तो बायोलॉजी वर्ड को हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल इज अ फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। तो एरिस्टोटल क्या है, आपके फादर हैं बायोलॉजी के, और बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। दो चीज आपकी की पॉइंट है जिसे याद रखनी है। फर्स्ट की पॉइंट आपका क्या है, इसमें स्टडी की जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और दूसरा की पॉइंट क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाली नॉन लिविंग लाइफ प्रोसेसेस की स्टडी की जाती है। चलिए, ये तो आपका बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हुआ। अब बात करते हैं कि बार बार आपके लिविंग प्रोसेसेस आ रही है, लाइफ प्रोसेसेस आ रही है। तो लाइफ जो लाइफ प्रोसेसेस है इसमें लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंस क्या होता है, आप बोल रहे होंगे कि मैम ये तो 7th-8th क्लास में पढ़ा था। तो बिल्कुल ये आपकी प्रीवियस नॉलेज से ही कनेक्टिव है कि क्या आप जानते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है। तो लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस है, चलिए शुरुआत से हम पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये आपका एनसीईआरटी में बिल्कुल यहीं से शुरुआत है कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में आपका क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले एक साइड में हम लिखते हैं लिविंग, लिविंग के कैरेक्टर, और दूसरी साइड में हम लिख देंगे किसके, आपके नॉन लिविंग के कैरेक्टर। तो सबसे पहले हम लिविंग में लिखेंगे क्या, मूवमेंट, मूवमेंट, और सेकेंड है आपका नॉन लिविंग में, नो मूवमेंट। चलिए, तो आपका फर्स्ट है जो हम समझते जाते हैं साथ के साथ में कि लिविंग और नॉन लिविंग में आपका क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट है आपका मूवमेंट जो लिविंग है। अब एक यहाँ पर लिविंग का हम एग्जाम्पल और लिखेंगे, इससे ईजी पड़ेगा सारे एग्जाम्पल को समझने में। तो लिविंग में आपकी क्या है, एक तो आपके एनिमल, एनिमल, और दूसरे आपके कौन हो गए, प्लांट। सभी जानते हैं एनिमल्स और प्लांट दोनों क्या है, आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, आपका मूवमेंट शो करते हैं। जैसे कि एनिमल्स, एनिमल्स में आपका कौन है, डॉग है, कैट है, ह्यूमन है, सभी क्या करते हैं, मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब क्या है, मूवमेंट का मतलब होता है जो कि अपनी जो आपके ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स को क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं, चाहे अपनी पोजीशन को बिना चेंज किए। जैसे आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप अपनी पोजीशन को बिना चेंज किए हुए क्या कर रहे हैं, अपने हाथ पैर हिला रहे हैं। तो ये क्या है, आपका मूवमेंट। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, एक और वर्ड आता है मूवमेंट के साथ आपका, इधर समझा लू मैं, लोकोमोशन, लोकोमोशन। लोकोमोशन का मीनिंग क्या होता है, लोकोमोशन का मीनिंग होता है द ऑर्गेनिज्म दे कैन चेंज देयर ओन पोजीशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी पोजीशन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से यहाँ पर पहुंच गई, ये क्या हुआ, मेरा लोकोमोशन हुआ, ठीक है। और मूवमेंट क्या, मैं यहीं पर खड़े होकर आपको पढ़ा रही हूँ, केवल सांस पैर चल रहे हैं मेरे। तो ये क्या है, आपका मूवमेंट। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, आप समझ रहे होंगे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, आपका मूवमेंट शो करते हैं। अब एनिमल भी मूवमेंट क्यों करते हैं, जस्ट हमें लोग, और दूसरा आपका प्लांट, प्लांट भी क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। आप सोच रहे होंगे प्लांट मूवमेंट कैसे शो करते हैं, जैसे आपका एग्जांपल है माइमोसा प्यूडिका। प्लांट में यहाँ पर एग्जांपल लिखी दे रही हूँ मैं, माइमोसा,
माइमोटा प्यूरिका, ठीक है। माइमोटा प्यूरिका आपका क्या होता है, टचवीनॉट। टचवीनॉट मीन्स आपका एक प्लांट का नाम है जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, छुई मुई, ठीक है। आपने उसे टच किया और तुरंत के तुरंत वो क्या करता है, मूवमेंट तो करता है, उसकी जो लीफ है वो आपकी बेस्ट हो जाती, मुरझाती जाती है। बिल्कुल इसी तरीके से आपका सनफ्लावर, बिल्कुल एग्जैक्ट मूवमेंट आप देख सकते हैं कि जिधर ही सन होता है बिल्कुल उधर ही इसका जो फ्लावर उसका फेस घूमता जाता है। तो ये आपका मूवमेंट तो करते हैं, एनिमल भी मूवमेंट तो करते हैं और प्लांट भी मूवमेंट तो करते हैं, लेकिन प्लांट लोकोमोशन शो नहीं करते। लोकोमोशन समझाया था ना कि अपनी पोजीशन को चेंज करना, लोकोमोशन केवल शो करते हैं एनिमल। और यहाँ पर हमने आपसे किसकी बात की है, प्लांट की बात की है। तो मूवमेंट एनिमल और प्लांट दोनों शो करते हैं, जबकि जो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग में आपका कोई मूवमेंट नहीं होता, ठीक है। जैसे ये मार्कर है, अगर हम चाहें मार्कर यहाँ से उठ के दूसरी जगह चला जाए तो मार्कर आपका नहीं जाएगा, चोरी जाएगा, क्योंकि ये नॉन लिविंग है, ठीक है। आप सेकेंड आते हैं मूवमेंट के बाद आपका सेकेंड है ग्रोथ, ठीक। तो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ इज आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इरिवर्सिबल प्रोसेस है मीन जिसमें कि एक आपका लगातार सेल्स डिवाइड करते जाते हैं, सेल लगातार डिवाइड करते जाते हैं और धीरे 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 हाइट है या फिर ग्रेथ है प्लांट में, चौड़ाई है, वो आपकी क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। तो वही बात है कि जो लिविंग है उनमें ग्रोथ होगी, जैसे आप जब बॉर्न हुए होंगे आप छोटे से होंगे और अब आप काफी बड़े हो गए, बिल्कुल वैसे ही प्लांट इतना सा जो इतना जनरेट होता है, धीरे 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 आप देख सकते हैं नीम का पेड़ और आपका आम का पेड़, मैंगो ट्री कितने बड़े बड़े हो जाते हैं, जबकि जनरेट कितने से होते हैं आपके पास, इतने से, ठीक है। तो जो लिविंग है, लिविंग आपका क्या करता है, हमेशा ग्रोथ शो करता है। आप देखिए यहाँ पर फिर वही लिविंग में कौन आता है, एनिमल एंड प्लांट आते हैं। एनिमल की ग्रोथ और प्लांट की ग्रोथ के दोनों की सेम होती है, दोनों ग्रोथ तो सेम करते हैं लेकिन दोनों की ग्रोथ सेम टाइप की नहीं होती। फिर से सुनिएगा, एनिमल और प्लांट दोनों ग्रोथ तो करते हैं लेकिन दोनों की जो ग्रोथ है वो सेम टाइप की नहीं होती। मीन्स जो एनिमल है, एनिमल की जो ग्रोथ है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक होती है, जैसे आपकी 24 ईयर तक, ठीक है। और डॉग है, कैट है, इन सबकी लिमिटेड टाइम पीरियड तक क्या होगी, ग्रोथ होगी। जबकि प्लांट, प्लांट की आपकी अनलिमिटेड टाइम पीरियड तक क्या होती रहती है, ग्रोथ होती रहती है, लेकिन लिविंग है इसलिए ग्रोथ शो करते हैं, ठीक है। तो जो लिविंग है वो मूवमेंट को करते हैं, जो लिविंग है वो ग्रोथ को करते हैं, ठीक है। जबकि नॉन लिविंग में कोई भी ग्रोथ नहीं होती, नो ग्रोथ, ठीक है, कोई ग्रोथ नहीं होती। जैसे आपका ये मार्कर, मार्कर का बार बार आपका एग्जाम्पल आ रहा है, ठीक है, कि मैं कहूँ कि जब मैं मार्कर को खरीद के लाई थी तो ये इतना सा था बेटा, अब धीरे धीरे ग्रोथ करती है इतना हो गया, ठीक है। तो आपका नहीं है, मार्कर ये इतना ही था और ना ही अब और ज्यादा ग्रोथ करके इतना बड़ा हो जाएगा, क्यों नहीं होगा भाई, मजे आ रहे होंगे पढ़ने में, आई नो, ठीक है। तो क्या है, मार्कर एक नॉन लिविंग है इसलिए मैं इतना ही लाई थी और 10 साल बाद 10 दिन बाद भी ये इतना ही रहेगा क्योंकि ये नॉन लिविंग है। तो लिविंग ग्रोथ करते हैं और नॉन लिविंग क्या है, आपकी कोई ग्रोथ नहीं करते। अब आते हैं आपका यहाँ पर थर्ड पॉइंट, ये जो आपकी लिविंग है, लिविंग आपका क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन को करते हैं, ठीक है। लिविंग क्या को करते हैं, रिप्रोडक्शन को करते हैं। रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है, अपने जैसे ही दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या करना, क्रिएट करना, प्रोडक्शन करना। री का मतलब दोबारा से, प्रोडक्शन का मतलब फॉर्मेशन करना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, दे हैव अ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस देयर यंग वन, ठीक है। अपने जैसे यंग वन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी क्या कहलाती है, आपकी रिप्रोडक्शन। और जो लिविंग बींग है वो रिप्रोडक्शन तो करते हैं, एनिमल्स आपने देखे होंगे, डॉग कैट इन सभी के रिलीज है, ठीक है। प्लांट, प्लांट आपके क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सीड प्रोड्यूस करते हैं और सीड से जनरेट होकर क्या बन जाते हैं, नया प्लांट। मीन्स प्लांट भी नए ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेसिटी रखते हैं, प्लांट से नया प्लांट बनेगा और एनिमल से उसका यंग वन बनेगा। जबकि जो आपका नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग का रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, नो, नो रिप्रोडक्शन, ये किसी भी टाइप का कोई रिप्रोडक्शन शो नहीं करते। मेरा मार्कर है, कल उसके दो मार्कर हो जाएंगे, नहीं होंगे ना, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये नॉन लिविंग है, ठीक है। तो आपका क्या है कि जो
आपका नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग में किसी भी टाइप का कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ वन, रेस्पिरेशन। ठीक, आपका जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन आप सभी समझते हैं, ठीक है, जिसमें कि हम गैसियस एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि आपका क्या हुआ कि हमने ह्यूमन की बात करें या प्लांट की बात करें, ठीक है, ये सभी आपकी क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस इंटेक करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ, स्पेशली याद रखिएगा, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो प्लांट रेस्पिरेशन में क्या करते हैं और एनिमल रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, दोनों का वॉल्यूम ध्यान रखिएगा, प्लांट एंड एनिमल। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन गैस इंटेक करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इंटेक करते हैं प्लांट रेस्पिरेशन में, ठीक है। उस कंफ्यूजन को मैं नेक्स्ट आगे इसे खत्म करने के बाद बिल्कुल क्लियर कर दूंगी। तो आपको यहाँ पर रेस्पिरेशन क्या है, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन गैस इंटेक करते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। और रेस्पिरेशन करते ही क्यों है, रेस्पिरेशन क्यों करते हैं, जिससे कि वो अपने अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन कर सके फूड के ब्रेकडाउन के साथ। तो फूड का ब्रेकडाउन होगा, उन्हें एनर्जी मिलेगी और लाइफ की जितनी भी प्रोसेस है, जैसे मूवमेंट है, ग्रोथ है, इन सबको वो क्या कर सकते हैं, इजिली कंप्लीट कर सकते हैं। तो रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि जो फूड है, फूड का ब्रेकडाउन होता है, जिससे एनर्जी मिलती है डिफरेंट लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। जबकि आपकी नॉन लिविंग है, इसमें आपका नो रेस्पिरेशन, ये किसी भी टाइप का कोई रेस्पिरेशन आपका तो नहीं करते, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसमें एक्सक्रीशन। जो प्लांट और एनिमल है, ये एक्सक्रीशन शो करते हैं। एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, उनकी बॉडी में जो आपके वेस्ट मटेरियल बन रहा है, इन वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर एग्जिट आउट करना, ठीक है। एनिमल भी आपका वेस्ट मटेरियल को एग्जिट आउट करते हैं टाइम टू टाइम, और प्लांट भी करते हैं, ठीक है। प्लांट जैसे अपना लीफ फॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो लीफ फॉल कर रहे हैं तो लीफ में वो अपने वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करते रहते हैं, और टाइम टू टाइम उनमें आपकी फॉलिंग ऑफ लीफ होती रहती है। मींस जो प्लांट है और एनिमल है, दोनों ही क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। और यहाँ पर जो आपका कौन है, नॉन लिविंग, इनमें किसी भी टाइप का कोई भी एक्सक्रीशन नहीं होता, नो एक्सक्रीशन, इसमें कोई भी टाइप का ये एक्सक्रीशन क्यों नहीं करते, वाटर नहीं करेगा एक्सक्रीशन, ठीक है। और आपका हम नेक्स्ट पढ़ते हैं और क्या डिफरेंस है इनमें, चलिए मैं कर लिख देती हूँ इसके डिफरेंस को। यहाँ पर आपका लिविंग और यहाँ आपका नॉन लिविंग, ठीक है। तो लिविंग में आपका क्या है, और डीपी जो आपके लिविंग है, लिविंग है 6 से आपका ये डिसीज वाला जो लिविंग है, लिविंग क्या करते हैं आपके में डिसीज हो सकती है, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन है, ह्यूमन में आपकी कौन सी डिसीज हो गई, आपका इस समय कोरोना वायरस बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक है, तो ह्यूमन में कोरोना वायरस हो रहा है। और जो आपके प्लांट्स हैं, प्लांट या डॉग कैट को भी समझ सकते हैं, डॉग कैट को आपकी खुजली हो जाती है, क्या एक डिसीज ही तो है, ठीक है। तो लिविंग में क्या होती है, आपकी डिसीज हो सकती है, आपको क्या हुआ, कैंसर हो सकता है पर्सन को, ठीक है, कोरोना वायरस से आप कोरोना हो सकता है उसे, इन्फ्लुएंजा हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, ठीक है, टीबी हो सकती है, तो ये सब किसको हो सकते हैं, लिविंग को। लेकिन नॉन लिविंग को, जो 6 पॉइंट था, नॉन लिविंग को नो डिसीज, ठीक है, इसे कोई भी आपकी डिसीज नहीं हो सकती। कि मैं कहूँ कि मेरे मार्कर को कल फीवर आ गया, आ सकता है क्या, कभी नहीं आ सकता, ठीक है। मेरे मोबाइल को कल बेटा फीवर आ गया था, इसलिए आप चल नहीं रहा, ठीक है। तो ये आपका क्या है कि जो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग को आपका कभी भी कोई डिसीज नहीं हो सकती, ठीक है। बहुत सारे आपके इसमें डिफरेंस है, जो मेन डिफरेंस है वो आपको समझा रही हूँ। अब नेक्स्ट है आपका 7, डेथ, ठीक है। तो डेथ में आपका क्या है, जो लिविंग है, लिविंग की ही डेथ हो सकती है, ठीक है, प्लांट की आपकी डेथ हो सकती है, एनिमल की डेथ हो सकती है, ठीक है। लेकिन नॉन लिविंग की आपकी, वो ऑलरेडी ही नॉन लिविंग बोल रहे हैं, तो उनकी डेथ नहीं हो सकती,
ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ इसमें नो डेट मीन्स ये ऑलरेडी ही आपके क्या है नॉन लिविंग है, जिसमें आपकी डेथ नहीं होगी। तो ये कुछ आपका डिफरेंस था लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में। ठीक है, दोबारा से मैं एक बार इसमें क्या करते हैं आपका समझ लेते हैं, शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। जो लिविंग है लिविंग मूवमेंट को करते हैं, नॉन लिविंग में कोई मूवमेंट नहीं होता। लिविंग ग्रोथ को करते हैं, इनमें कोई ग्रोथ नहीं होती। ये रिप्रोडक्शन को करते हैं, इनमें कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता। ये रेस्पिरेशन को करते हैं लिविंग, और नॉन लिविंग में कोई रेस्पिरेशन नहीं होता। लिविंग में एक्सक्रीशन होता है, इनमें कोई एक्सक्रीशन नहीं होता। लिविंग में डिसीज हो सकती है, नॉन लिविंग में डिसीज नहीं होती। जबकि जो लिविंग है भाई जो जिंदा है एक यूनिवर्सल प्रोसेस, उसकी तो डेथ होनी है। तो लिविंग में आपकी डेथ हो सकती है और नॉन लिविंग में आपकी डेथ कोई तरीका ही नहीं है कि वो डेथ नहीं होगी। चलिए अब आपका इसके बाद ओके बेटा आपको ये पूरी जो मैंने समझाया है लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में, ये आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने बहुत अच्छे से हंसी खुशी समझा भी होगा। ठीक है, और अब नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके पहले आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू बेटा।